फिरोजाबाद में कवरेज करने गए पत्रकारों पर किया लाठी डंडों सरिया ईंट से किया जानलेवा हमला। अधिवक्ता के घर धरना दे रही महिला की सूचना पर कवरेज करने गए थे पत्रकार। कवरेज के दौरान ही अधिवक्ता अरुण शर्मा और उसके तीन साथियों ने आकर किया पत्रकार पर जानलेवा हमला। न्यायपालिका को चलाने का भार जिन वकीलों के कंधों पर होता है, जहाँ सत्य में जयते यानी कि सत्य की जीत कराने की जिम्मेदारी एक वकील के कंधे पर होती है, उसी को एक ठगिया वकील ने अधिवक्ताओं की गरिमा पर ठेस पहुंचा दी। दरअसल एक महिला क्लाइंट अपने ही वकील के खिलाफ वकील के घर आकर धरने पर बैठ गई, जिसकी सूचना पर पत्रकार कवरेज करने घटनास्थल पर गए थे, जहां वकील अरुण कुमार शर्मा ने पत्रकारों के साथ जानलेवा हमला कर दिया और पत्रकारों को अपने साथियों के साथ जमकर मारपीट की। महिला का आरोप उक्त वकील ने हजारों रुपए लेने के बाद भी दस्तावेजों को गायब करके केस को हरवा दिया और विपक्ष पार्टी से मिलकर पैसा लेकर महिला के दहेज एक्ट मुकदमे में दो आरोपी को निकलवाने का काम किया। अधिवक्ता ने अपनी ही महिला क्लाइंट से धोखा किया। उत्तर प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं को जो जिम्मेदारी कंधों पर है, सत्यमेव जयते की एक वकील अरुण कुमार शर्मा ने समाज के अन्य वकीलों की गरिमा को धूमिल किया है। सूचना पर पहुंची घटनास्थल पर पुलिस अधिवक्ता के खिलाफ पत्रकारों ने की कानूनी कार्यवाही। उत्तर थाना उत्तर क्षेत्र के टापा पैठ मंगलम धर्म कांटे वाली गली का है, देखिए एक रिपोर्ट। ये पूरा क्या मामला है? इसका मामला आया था, मेरा मुकदमा चल रहा था एक साल से, तो इन्होंने पहले नहीं मना किया था, मैं तुम्हारा मुकदमा नहीं लड़ूंगा, लड़ पाऊंगा। मेरे मैया ससुर ने मुझ पर दीपावली पर मेरी इज्जत पर हाथ डाला था, उन्होंने इनका भी नाम कटवा दिया, उसमें से सबके नाम कटवा दिए, मेरे पति और सास का नाम छोड़ा, उनका भी कटवा देते। यहाँ पे क्या बदतमीजी करी आपके साथ? अब यहाँ पर बदतमीजी नहीं करी, कोर्ट से मुंह तो भाग जाए, मैं बात लगा तो कोर्ट में, कोर्ट से भी भाग गया है, और यहाँ पर नहीं मिले, और यहाँ पर जो सर आए पत्रकार, उन्होंने मेरा बयान लिया था, बस सीधे आए मोटरसाइकिल पर मारपीट कर दी। मारपीट किसके साथ करी? पत्रकार के साथ। पत्रकारों के साथ मारपीट करी है? कितने लोग थे मारपीट में? आपसे बदतमीजी करी कुछ? मुझसे नहीं किया अभी तक, आपसे क्या बोला, धमकी वगैरह कुछ? मुझसे ना कह रहे थे जाओ ले जाओ फाइल, मैं नहीं कर रहा तुम्हारा केस, मैं नहीं लड़ पाऊंगा, तुम यहाँ से ले जाओ, जब केस बिगाड़ दिया तब ले जाओ, मैं मर जाऊंगी, मेरे कोर्ट से भी केस खत्म करवा दिए गए, मैं मर जाऊंगा तो जाऊंगी, न्याय चाहिए आज। जब मेरा पति से मिल गए यहाँ पे क्या बदतमीजी करी आपके साथ? यहाँ पर बदतमीजी करी, कोर्ट से मुंह तो खा गया, मैं बात कर रहा था कोर्ट में, कोर्ट से भी भाग गया है, और यहाँ पर नहीं मिले, और यहाँ पर जो सर आए पत्रकार, उन्होंने मेरा बयान लिया था, और सीधे आए मोटरसाइकिल पर मारपीट कर दी। मारपीट किसके साथ करी? पत्रकारों के साथ मारपीट करी है? कितने लोग थे मारपीट में?